तो गाइस यार लोस सेंटोस में सूखा पड़ चुका है, क्योंकि गाइस यार जो लोस सेंटोस की सबसे बड़ी पानी की झील है जिससे पूरा लोस सेंटोस में पानी जाता है, वहां पर आ गए ये खतरनाक वाले दो बड़े बड़े जायंट्स। पता नहीं कहां से आ गए, कितने खतरनाक वाले मॉन्स्टर है यार। इन लोगों ने डैम के आगे इतना बड़ा वाला पत्थर रख दिया है जिसे हटाना लगभग इम्पोसिबल है भाई, मुझे इस पत्थर को हटाना पड़ेगा और इन बड़े बड़े जानवरों को या राक्षस बोलो इनको मारना पड़ेगा जिससे हमारे लोस सेंटोस के अंदर फिर से पानी आए। और गाइस ये हूं मैं, एक छोटा सा क्रोकोडाइल, और मैं इस पत्थर को बिल्कुल भी नहीं हटा सकता यार, और ना इन बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ाई भी कर सकता। भाई ये कितना ज्यादा बड़ा है, ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर हमला करने वाला है, पर शायद मैं इसको दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं इतना ज्यादा छोटा हूँ यार। अगर मैंने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा ना तो भाई सब लोस सेंटोस में पूरे में अकाल पड़ जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे और साथ में मेरी फैमिली भी अगर पानी नहीं मिला तो, क्योंकि ये बिल्कुल साफ पानी है। पता नहीं यार ये लोग कहां से आ गए एकदम, भाई इनको मारना पड़ेगा मेरे को, पर उसके लिए मेरे को अपने आप को सबसे खतरनाक वाले अल्टीमेट क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा जो कि इनसे ज्यादा बड़ा होगा। चलो गाइस यार अपने आप को अपग्रेड करता हूँ फिर इनकी बैंड बजाता हूँ। पर गाइस यार प्रॉब्लम ये है मेरे को, ये तो पता ही नहीं आखिर मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो गाइस यार मेरे को कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूं। ओए ये बंदा कौन है और इसके पास ये क्या है यार, ये क्या चीज है पता नहीं। हाय हाय, मेरा नाम है बार्क और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें अल्टीमेट क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड करने में, उसके लिए तुम्हें इस लेग पीस को खाना होगा। ओके अगर मैं इस लेग पीस को खा लेता हूँ इससे मैं अपग्रेड हो जाऊंगा। हाँ इससे तुम अपग्रेड हो जाओगे। ओके तो चलो गाइस इसको खाते और देखते कि हम लोग अपग्रेड होंगे नहीं होंगे। गाइस यार ये देखो मैं अपग्रेड हो गया, मैं कितने खतरनाक वाले क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ। हाँ तुम अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा लेग पीसेस को खाना होगा, वो लोस सेंटोस में मिलेंगे ढूंढो जाके। ओके तो गाइस यार चलो मेरे को और ज्यादा लेग पीस ढूंढने पड़ेंगे, उनको खाके मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ और उसके बाद इन बड़े जायंट्स को हराता हूँ जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलो गाइस यार बर्क ने मेरे को यहीं पर बुलाया था, ये रहा बर्क। अरे बर्क कहां पर अगला लेग पीस, तुम तो काफी जल्दी पहुंच गए, अगला लेग पीस तुम्हें वहां सामने उस दुकान पर मिलेगा, ये असल में एक मीट शॉप है, यहाँ पर तुम्हें अगला लेग पीस मिलेगा, पर यहाँ का जो दुकानदार है वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, वो तुम्हें आसानी से नहीं देगा, तुम्हें उसे पटाना पड़ेगा, जाओ। ओके शुक्रिया बर्क। चलो गाइस यार अपना लेग पीस लेते हैं। हे भैया लेग पीस दे दो। अरे यार ये कौन आदमी है केला सा। हेलो कौन है, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए भैया बोलो। अरे भाई मेरे को लेग पीस चाहिए। लेग पीस? हाँ बताओ कौन सा लेग पीस चाहिए। अरे ये तुम्हारी दुकान वाले नहीं, वो बड़ा वाला है, तुम्हें ये सबसे बड़ा वाला लेग पीस चाहिए। हाँ ये वाला है, ये नहीं मिलेगा। अरे क्यों, बेचने के लिए नहीं है क्या? अरे मेरी दुकान पे सिर्फ एक ही ऐसा लेग पीस है, मैं क्यों बेकू, ये मेरे दुकान की स्पेशलिटी है। अबे यार भाई ऐसे मत कर। ए, नहीं दूंगा, बोला ना जाए एक बार। अबे यार मेरे को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मेरे को वो नहीं मिला तो लोस सेंटोस नहीं बचेगा। अरे लोस सेंटोस जाए तेल लगाने, मुझे तो मेरी मुर्गियों से प्यार है, काश मेरी मुर्गियां बड़ी हो जाती। अबे यार भाई दे दे यार लेग पीस प्लीज यार, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तो बता, वो कर दूंगा मैं तेरे लिए, पर वो लेग पीस मेरे को चाहिए। कुछ भी कर सकते हो इसके लिए। हाँ कुछ भी। हाँ तो एक काम करो, मेरी मुर्गियों को मुझे बड़ा करना है। मजाक कर रहा है, ये थोड़ी हो सकता है। अरे हो सकता है, साइंस लैब में जाना, साइंस लैब में तुम्हें एक बहुत ही अलग तरीके का वो मिलेगा इंजेक्शन, जिससे तुम मुर्गियों को बड़ा कर सकते हो, वो इंजेक्शन मुझे लाके दे दो, चुरा के लाना पड़े या खोज के लाना पड़े मुझे नहीं पता, अगर वो ला दोगे तो मैं तुम्हें ये बड़ा वाला लेग पीस दूंगा। ओके भाई डील डन, मैं तेरे लिए वो इंजेक्शन लेके आता हूँ, तू जब तक यहीं पर वेट कर। चलो गाइस यार मेरे को अब जल्दी जाना है साइंस लैब, वहां पर मेरे को कोई इंजेक्शन मिलेगा जो मुझे इसे लाके देना, जिससे अपनी वो मुर्गियां बड़ी कर लेगा और भाई मुझे मेरा लेग पीस मिल जाएगा, लेट्स गो। तो चलो गाइस यार उस लेबोरेटरी में लेके चलता हूँ तुम लोगों को। अब तुम लोगों को यही लग रहा होगा आखिर मैं कौन सी लेबोरेटरी की बात कर रहा हूँ, तुमने आज से पहले ये लेबोरेटरी कभी भी नहीं देखी होगी। अबे यहीं पर ही होनी चाहिए वो लेबोरेटरी, पर वो साइन नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पर भी। अबे वो साइन कहाँ गया यार, यहीं पर ही होना चाहिए, उतर के देखता हूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा यार यहीं कहीं पर होना चाहिए वो साइन, ऊपर देखता हूँ यार, दिख तो जाना चाहिए मेरे को जितना पता है वो साइन ऊपर की तरफ है। ये रहा देखो, ये रहा ऊपर देखो। तो गाइस यार ये वो साइन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब ये साइन कोई नॉर्मल आदमी को तो दिखेगा नहीं कि इतने ऊपर कौन क्यों देखेगा। अब ये साइन यहाँ पर है तो इसका मतलब जो लेबोरेटरी है वो इस घर के अंदर है। चलो भाई साहब यहाँ पर कोई भी नहीं आता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट लेबोरेटरी है। अब देखो आप लोगों को लग रहा हूँ यहाँ पर कोई लेबोरेटरी कैसे हो सकती है, ये देखो भाई साहब यहाँ पर ये एक सीक्रेट दरवाजा उस लेबोरेटरी के अंदर जाने का। चलो गाइस यार अब इसके अंदर चलते हैं, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार फाइनली हम लोग लेबोरेटरी के अंदर आ चुके हैं। भाई साहब मेरे को बस ये ढूंढना वो सिरिंज मेरे को कहाँ मिलेगी। अबे ये मार्क्स मुक्स क्या है, पता नहीं क्या चीज़ के मार्क्स हैं यहाँ पर। चलो बाहर निकलते जल्दी सी। अबे कहाँ पर होगी यार वो सिरिंज, अबे वहाँ पर कंप्यूटर लग रखा है, पता कंप्यूटर के आसपास। ओए ये क्या, ये तो कोई साइंटिस्ट लगता है मेरे को। आखिर साइंटिस्ट को क्या हो गया भाई, ये मरा पड़ा क्यों है यहाँ पर। भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखो सारे के सारे सायरन भी यहाँ पर एक्टिव है भाई।
कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को यार। यहाँ पर अंदर जाकर देखता हूँ इस वाले रूम में क्या है। भाई एक और साइंटिस्ट मरा पड़ा है यहाँ पर, ये देखो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। पर यार लैबोरेटरी तो यही है जिसके बारे में मेरे को उसने बताया था। और यहाँ पर देखो कितने सारे मास्क और कितने सारे सूट है। और यहाँ पर देखो अंदर भी क्या क्या चीजें हैं यार। चलो नीचे चलता हूँ, यहाँ से नीचे जाने का ये रहा रास्ता। अंदर एक और पड़ा था भाई मरा हुआ साइंटिस्ट। चलो हम लोग नीचे आ चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तो भूल भुलैया ऐसे कितने सारे दरवाजे हैं यहाँ पर। इस वाले दरवाजे के पीछे क्या है? ओए एक सेकंड, ये क्या जगह है भाई, देख रहे हो तुम लोग? अबे क्या जगह है यहाँ पर। ओ ये देखो यहाँ पर एक और साइंटिस्ट मरा पड़ा है यार। ओए ये क्या है भाई, देख रहे हो तुम लोग? ये क्या चीज है भाई, चारों तरफ भाई दीवारों के ऊपर क्या है ये? ऐसा लगता है कोई जानवर है यार, अजीब सा कुछ तो है यहाँ पर ये चीज। एक और साइंटिस्ट यहाँ पर मरा पड़ा है। और मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया भाई, ये ऊपर चढ़ के देखता हूँ भाई। चारों तरफ ये क्या अजीब सी चीज फैली हुई है। ये दरवाजा लॉक है क्या? अबे खुल जाना, अबे खुल यार। ये नहीं खुल रहा भाई, उस वाले दरवाजे से जाना पड़ेगा, ये वाला दरवाजा बंद पड़ा है। इस तरफ आ गए हम लोग घूम फिर के, उस तरफ जाके देखता हूँ भाई वो मेरे को सिरिंज मिले और मैं यहाँ से जल्दी से निकलूँ। भाई कितने सारे लोग मरे पड़े हैं यहाँ पर, मेरे को लगता है सारे साइंटिस्ट ही है जो मरे पड़े हैं यहाँ पर भाई। ओए कितना खतरनाक है यहाँ पर सब कुछ। चलो इस तरफ चलते हैं। ओह ये क्या है, ये क्या है भाई, कितने सारे साइंटिस्ट मरे पड़े हैं यहाँ पर। ये कांच टूट रहा है, ये ले नहीं तोड़ सकता मैं इसको शायद। ये देखो ये क्या चीज है यार यहाँ पर, लगता है कोई बहुत ही गंदा वाला जानवर निकल आओगे यहाँ से। देख रहे हो क्या अजीब सी चीज है ये सारी की सारी। अच्छी मेरे को गंदा लग रहा है, मेरे को सिरिंज ढूंढनी पड़ेगी जल्दी सी। अब तुम लोगों को पता है कहाँ पर है सिरिंज? पता है तो मेरे को बता दो यार, मेरे को नहीं मिल रही है, और कहीं जाके ढूंढता हूँ। चलो यार सही, हम लोग वहां से वापस लिख लिया है, अजीब सी जगह थी। और यहाँ पर देखो एक और साइंटिस्ट मरा पड़ा। और यहाँ चारों तरफ देखो, ओए ये दरवाजा ये वाला खुलना। अबे ये वाला दरवाजा खुले तो मैं अंदर जा सकता हूँ शायद। अबे खुलेंगे कैसे, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही। अंदर जाने का रास्ता है कहाँ से, अगर ये खुले ही नहीं है सारे बंद पड़े हैं तो कहाँ पर सामने है क्या रास्ता अंदर जाने का कहीं से? ये इस पर इस तरफ भी नहीं जा सकता यार मैं, ये रास्ता कैसे खुलेगा यार, ये चीज समझ नहीं आ रही मेरे को। ये खुले और मैं अंदर जाऊँ जल्दी सी। ओ यहाँ से एक रास्ता है अंदर जाने का, इसके अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है। अबे ये क्या इतना बड़ा सा, एक सेकंड देखने दो। ओए ये क्या, ये तो सिरिंज है। हाँ भाई ये रही सिरिंज यहाँ पर। और ये देखो रास्ता भी खुल गया सामने से, मतलब मेरे को यहाँ पर आना था और ये देखो रास्ता भी खुल गया यहाँ पर। और ये भाई कितनी ऊंची जंप लगाई तुम्हारे भाई ने। चलो गाइस यार यहाँ पर मेरे को सिरिंज मिल चुकी है, अब इस सिरिंज को लेके यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ इससे पहले कि मेरी बैंड बज जाए। तो यार यहाँ पर मैंने सिरिंज ले लिया, चलो निकलते हैं यहाँ से। भाई ये कैसी आवाज थी भाई, यह क्या झोटे किसी आवाज थी, पता नहीं क्या मॉन्स्टर की आवाज थी, बड़ी बुरी थी। और जल्दी से यहाँ से कहाँ से आया था मैं, रास्ता ढूंढता हूँ और यहाँ से जल्दी से निकलता हूँ। फिर रास्ता खुल गया भाई, चल के आ रहे हैं यहाँ पर। डर लग रहा है मेरे को, भागो जल्दी से भागो यहाँ से, ये काफी खतरनाक जगह भाई, मेरे को ऐसा क्यों लगता है यहाँ पर मॉन्स्टर बनते हैं। जल्दी भागो, कहाँ है रास्ता निकलने का, बाहर भागता हूँ यहाँ से जल्दी से। चलो गाइस यार हम लोग उस लेबोरेटरी में से बाहर निकल के आ चुके, भागो यहाँ से जल्दी से इससे पहले कि वो मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े। भागो भागो भागो, अभी मेरे को शहर भी पहुंचना है वापस। एक तो मेरी गाड़ी कहाँ गई जो यहाँ पर थी, पैदल ही जाना पड़ेगा मेरे को। ओके तो भाई जैसे मैंने बोला था मैं तेरे लिए सिरिंज लेके आ चुका हूँ जो की बहुत ही ज्यादा पुरानी यार सैमी। हेलो भाई, अरे ले आए क्या तुम? ओए यही तो मंगाया था मैंने। अरे यार शुक्रिया तुम मेरे लेके, अब तुम उस लेग पीस को खा सकते हो। हाँ चलो मेरी प्यारी प्यारी सिरिंज, मेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ इसको। चलो गाइस यार मैंने मेरा काम कर दिया, हम लोग जाके अपना लेग पीस खाते हैं। वो ये देखो गाइस यार मैं कितने खतरनाक वाले क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड हुआ हूँ इस बार, ये तो उससे भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है सही में। चलो चलते हैं। ओए ये देखो भाई ये तो सही में सच बोल रहा था, ये देखो भाई इसके मुर्गे कितने बड़े बड़े हो गए, मेरे को लग नहीं रहा था मुर्गे इतने बड़े बड़े होंगे, देख रहे हो सही में? ये देखो मेरे मुर्गे कितने बड़े हो गए। ओ भाई साहब, ओए एक सेकंड भाई, तेरे पास और भी तो होंगे ऐसे चिकन लेग पीस? दो ही थे। हैं दो थे, मतलब एक कहाँ पर गया? एक मैंने सिंचेन को सेल कर दिया, वो आया था 2 करोड़ रुपए दिए थे इसलिए मैंने दे दिया उसे। अच्छा सिंचेन के पास है, ओके तो चलो गाइस यार हम लोग जल्दी से चलते हैं, अगला जो हमें लेग पीस चाहिए वो मुझे सिंचेन के पास मिलेगा, हम लोग सिंचेन के घर पर चलते हैं, लेट्स गो। ओके तो गाइस यार ये है सिंचेन का घर, जल्दी से सिंचेन को बुलाता हूँ, कहीं उसने वो लेग पीस खा तो नहीं लिया होगा। हेलो सिंचेन, अरे भाई सिंचेन कहाँ पर है तू? गुड मॉर्निंग, आज तो सेमी मस्त वाली नींद आई, पूरी रात सपने आए लेग पीस खाने के। चलो अपने लेग पीस खाता हूँ, देखो मेरा कितना बड़ा लेग पीस है, इसे मैं कल खरीद के लेके आया था, अब खाऊंगा। सिंचेन, ओ सिंचेन, अरे ये कौन बोल रहा है, कौन है सिंचेन? अबे इधर आ भाई,
अरे कौन पागल है यार, परेशान करने आ गया मेरे को, अपना लेग पीस भी नहीं खाने देते लोग। आता हूँ थोड़ी देर में, नींबू मिर्च लगा के खाऊंगा। अरे कौन बोल रहा है, अभी आ रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अरे कौन है भाई यार, क्या चाहिए तुम्हें? चिकन लेग पीस भी नहीं खाने देते आराम से। ये क्या है, कौन है तुम? अरे सिंचन, तुम्हारे पास वो लेग पीस है ना? अरे हाँ, पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं ही खाऊंगा। अबे ये सिंचन इतना मोटा कैसे हो गया? अरे मैं बहुत सारी चीजें खाता हूँ, मजा आता है इसलिए। अच्छा अच्छा यार, मेरे को लेग पीस दे दो। अरे मैं मेरा लेग पीस तुम्हें क्यों दूंगा, मैंने पहले बताया मैं शेयर बिल्कुल नहीं करता। अबे मेरे को लेग पीस बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मेरे को लेग पीस नहीं मिला तो मैं लॉस सैंटोस को नहीं बचा पाऊंगा। अरे मुझे क्या लेना लॉस सैंटोस से, मेरा तो थर्ड पार्टी ऐप है। अबे भाई प्लीज मान जा यार। अरे नहीं दूंगा, जब बोला ना एक बार। अबे मैं तेरे लिए कुछ और कर दूं तो? हाँ ये तुम कर सकते हो, तो एक काम करो यार, तुम मेरे लिए है ना वो सबसे बड़ा वाला केक लेके आओ, और एक मेरे लिए बड़ी वाली आइसक्रीम लेके आओ। अगर तुम सबसे बड़ी वाली आइसक्रीम और वो केक लेके आ जाते हो तो मैं बदले में तुम्हें वो चिकन लेग पीस दे सकता हूँ, वरना भूल जाना। ठीक है हाँ, तो परेशान मत करो, जल्दी आना, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है। मैं जाके अपने लेग पीस नींबू छिड़कता हूँ, खा मत जाइयो। अरे नहीं खाऊंगा ना, जब बोला ना। चलो भाई साहब। तो यार यहाँ पर सिंचन के पास मुझे मिल तो गया, पर सिंचन मेरे को ऐसे नहीं देगा, मेरे को उसके लिए वो बड़ी वाली आइसक्रीम और साथ में वो बड़ा वाला केक लाके देना पड़ेगा। पर यार वो तो सही में बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। मेरे पास अकाउंट में पैसे कितने हैं? अबे यार मेरे पास अकाउंट में तो बहुत ही कम पैसे हैं, मुझे पैसों की जरूरत है यार। आप लोग मेरी मदद कर सकते हो यार, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिख दो यार, मनी मनी। जैसे जैसे तुम मनी लिखोगे ना, वैसे वैसे यार मेरे पैसे बढ़ते जाएंगे। देखो राइट कॉर्नर के अंदर जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो मनी मनी मनी। जितने आप लोग लिखोगे ना मनी, उतने मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। ओ जल्दी लिखो। ओ यार देखो आप लोग लिख रहे हो भाई, अगर आपने नहीं लिखा है अपना नाम भी लिख दो और साथ में साइड में लिख दो कितने पैसे आप मुझे दे रहे हो। जल्दी जल्दी लिखो यार पैसे, जिससे यार मेरे पास पैसे आते जाए बहुत ज्यादा। मनी लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, लेट्स गो। ओ ये देखो कितने सारे मनी आ गए हमारे अकाउंट के अंदर, शुक्रिया यार तुम दोस्तों का। लिखते जाना अभी भी तुम, हम लोग चलते हैं जल्दी से शॉप्स के ऊपर लेने के लिए बड़ी वाली आइसक्रीम और साथ में बड़ा वाला केक। ओके तो गाइस यार फिलहाल मैं आ चुका हूं वो सबसे बड़ी वाली आइसक्रीम लेने के लिए, जिसे सिंचन मेरे को यार वो चिकन लेग पीस दे दे। अबे कहां पर ये आइसक्रीम वाला, यहीं पर ही था। ओ ये रही देखो, ये रही सामने मेरे आइसक्रीम की दुकान, देख रहे हो कितने सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम है। अरे ये रण बंदा, हेलो आइसक्रीम वाले भैया। हां बोलो। अबे यार मेरे को आइसक्रीम चाहिए। बताओ कौन सा फ्लेवर चाहिए? ये वाली नहीं चाहिए। फिर कौन सी चाहिए, और कोई फ्लेवर है क्या? अबे नहीं नहीं, मुझे पता चला है तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम है, वो वाली आइसक्रीम चाहिए मेरे को। अच्छा वो वाली आइसक्रीम चाहिए तुम्हें? हाँ वही वाली चाहिए। उस वाली की कीमत है पूरे 1,00,000 रुपए, दे पाओगे इतने पैसे जब मिलेगी वो? हाँ ठीक है मेरे पास 1,00,000 रुपए। हाँ तो दो मुझे 1,00,000 रुपए, ये रहा मेरा स्कैनर, स्कैन करो इसे। ओके तो गाइस यार मैंने इसका स्कैन करके 1,00,000 रुपए डाल दिए। कहाँ पर भाई आइसक्रीम? ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। अभी ये क्या है? ये आइस क्यूब है, इन बड़े बड़े आइस क्यूब के बीच में ये रही तुम्हारी बड़ी वाली आइसक्रीम, इसको ठंडा करने के लिए मैंने बड़ी बड़ी आइस क्यूब रख रखी है। ओके तो चलो गाइस यार अब इन बर्फ को हटाता हूँ और जल्दी से बड़ी वाली आइसक्रीम लेके चलता हूँ जो मेरे को सिंचन को देनी है। तो भाई साहब मैंने बर्फ को हटा दिया और ये देखो भाई कितनी बड़ी आइसक्रीम है यार, मुझसे भी ज्यादा बड़ी है तो सही। ओके तो गाइस यार हम लोगों को आइसक्रीम तो मिल चुकी है, अब जल्दी से चलो क्योंकि मेरे को अभी एक और चीज लेके आनी है। मैं काम करता हूँ, ये वाली आइसक्रीम सिंचन को दे देता हूँ इससे पहले ये पिघल जाए। अरे सिंचन ये लो तुम्हारी आइसक्रीम, जैसा मैंने बोला था मैं तुम्हारी आइसक्रीम लेके आऊंगा। भैया यहीं पर खड़ा है, ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। अरे वाह तुम मेरी आइसक्रीम लेके आ गए, मजा आ गया। चलो रुको एक सेकंड, क्या कर रहे हो? एक सेकंड रुको तो। अरे मजा आ गया, अबे डकार भी मार ली खा के। हाँ और क्या। चलो गाइस यार लेके आता हूँ दूसरी चीज, लेके आता हूँ दूसरा, क्या था तेरा? अरे वो सबसे बड़ा केक। अच्छा ठीक है तो चलो यार अब जल्दी सबसे बड़ी केक लेके आते हैं, वो पता नहीं कितनी महंगी आने वाली है। और मेरे अकाउंट के अंदर सिर्फ 3,00,000 रुपए और बचे हैं, मुझे और पैसों की जरूरत है यार। लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी जल्दी मनी मनी मनी, क्या पता वो कितनी महंगी आएगी। कमेंट बॉक्स के अंदर मनी मनी लिखते रहे और आप लोग जल्दी सी। ओके तो गाइस यार अभी हम लोग केक लेने के लिए आ चुके। ये देखो ये लो सेंटोस की सबसे बड़ी केक की दुकान, वो मतलब बर्गर भी बनते हैं और केक भी बनते हैं यहाँ पर, रस्टी ब्राउन्स। चलो यार लेते हैं जल्दी जाके। ओ भाई साहब ये रहा यहीं पर ही खड़ा है, अबे ये जा तो नहीं रहा कहीं दुकान बंद करके। हेलो सर आपकी है क्या दुकान? अरे हाँ मेरी है दुकान, बताओ क्या चाहिए बिल्ले? अबे मैं कोई बिल्ला तो नहीं लग रहा कहीं से। हाँ जल्दी बताओ भैया घर जाना है, चाय पीनी है। अच्छा अच्छा अरे यार दुकान बंद मत करो, मेरे को असल में वो केक चाहिए। अरे केक चाहिए भैया बर्थडे के लिए क्या? नहीं नहीं बर्थडे के लिए नहीं, फिर किस चीज के लिए चाहिए? अरे यार मेरे को तुम्हारी दुकान का वो सबसे बड़ा वाला स्पेशल केक चाहिए। अरे भैया पागल हो क्या, वो केक तो 5,00,000 रुपए का है, 5,00,000 रुपए तो तुम्हारे पास। अबे ये क्या यार 4,50,000 रुपए ये मेरे पास, तो यार मुझे 50,000 रुपए के और भी ज्यादा जरूरत है। जल्दी से यार आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट बॉक्स के अंदर मनी मनी लिखो, आप लोगों से छोटा सा काम नहीं हो रहा यार, जल्दी करो यार मनी मनी मनी, जिससे मेरे पास मनी और भी ज्यादा है। हो देखो बढ़ रही है। ओ शुक्रिया तुम लोगों का 5,00,000 हो गए मेरे पास। अरे है क्या भैया 5,00,000 है ना मेरे पास, 5,00,000 ये लो स्कैनर दो। हाँ ये रहा मेरा दुकान का स्कैनर,
ओके तो चलो गाइस यार हमने इसको रुपए दे दिए, जा भाई लिया जाके। अब हाँ तुम यहीं पर दो मिनट वेट करो, अभी मैं लेके आया अंदर से। ये लो भाई तुम्हारा केक, यही है भाई सबसे बड़ा केक हमारे पास फिलहाल तो। ओ भाई साहब ये देखो, ये तो सेमी बहुत ही ज्यादा बड़ा केक है यार। ओए मेरे पास टाइम कम है, ठीक है भाई मैं लेके जा रहा हूँ इसको। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हम लोगों को केक मिल चुका है, चलो इसको जल्दी से लेके चलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 20 मिनट दिए थे सिंचैन ने। सिंचैन जल्दी आ जा, ये ले तेरा केक, जैसा तूने बोला था मैं 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा केक लेके आ चुका हूँ। ये लो दुनिया का सबसे बड़ा केक, जैसा कि मैंने बोला था। अब तुम भी वादे के अकॉर्डिंग मेरे को वो चिकन लेग पीस दो। अरे वाव देखो दोस्तों कितना बड़ा केक है सेमी, मेरे जिंदगी में ये वाला केक नहीं खाया, इसको तो मैं आराम से खाऊंगा, इसमें और चीनी लगा के चॉकलेट भी घेरूंगा। तुम ले लो अपना चिकन लेग पीस। चलो भाई साहब मैं अपना लेग पीस खाता हूँ। भाई यार कितना मस्त केक है सेमी, छोड़ो मेरे को लॉस सैंटोस को बचाना, खाता हूँ जल्दी से। तो चलो यार मैं बर्क से मिलने आया हूँ यहाँ पर। बर्क प्लीज यार मेरी मदद कर। ओए मेरी बात सुन, अगर तेरे को और लेग पीस चाहिए ना तो स्कूल के अंदर जा, स्कूल के अंदर तेरे को लेग पीस मिलेंगे ग्राउंड के अंदर, वहां से लेके आ फिर से अपग्रेड हो जाइयो। ओके तो गाइस यार बर्क ने मेरे को बता दिया और लेग पीस मेरे को कहां मिलने वाले हैं, लेग पीस मेरे को मिलेंगे स्कूल के ग्राउंड के अंदर। अबे स्कूल का ग्राउंड किस तरफ था, वो तो टेनिस कोर्ट हो गया। ओ ये देखो उस तरफ बंदा बैठा है कोई, वो रहा ग्राउंड सामने। चलो गाइस यार जल्दी से ग्राउंड में चलते हैं। तो यार हम लोग आज के ग्राउंड के अंदर, और ये देखो अब भाई साहब यहाँ पर तो एक दो बहुत सारे लेग पीस है यार। चलो अपना पहला लेग पीस लेता हूँ जो इस चीता के पास। अरे चीता मेरे को ये लेग पीस दे दो ना। तुम्हें ये लेग पीस चाहिए? हाँ मुझे ये लेग पीस चाहिए। अगर तुम्हें ये लेग पीस चाहिए तो तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। बताओ कैसा सवाल है, मैं उसका जवाब दूंगा। तो मुझे ये बताओ आखिर इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? हैं इंडिया का नेशनल गेम? हाँ इंडिया का नेशनल गेम का नाम बताओ और ये इनाम पाओ क्योंकि तुम स्कूल में हो। अरे गाइस यार स्कूल के अंदर आया हूँ तो मेरे को क्वेश्चन आंसर का तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। अबे यार मेरे को नहीं पता इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है। अबे तुम लोगों को पता है क्या इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है? पता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, अगर तुम मुझे बताओगे तो मुझे पता लग जाएगा और मैं इसको आंसर दे के अपना चिकन लेग पीस ले लूंगा। जल्दी बताओ यार कमेंट बॉक्स के अंदर आखिर इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी बताओ यार। ओके मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स के अंदर और मेरे को आंसर भी मिल गया, बढ़िया बढ़िया। हाँ पता है क्या तुम्हें? हाँ पता है इंडिया का नेशनल गेम है हॉकी। हाँ तुमने एकदम सही जवाब दिया, तो ये लेग पीस तुम्हारा हुआ, मैं चला यहाँ से। तो चलो गाइस यार यहाँ पर मुझे मेरा लेग पीस मिल चुका है, जल्दी से खाता हूँ इसको। ये देखो गाइस यार हमारा मीटर आधा हो चुका है, चलो आगे चलते हैं। ओके भाई साहब ये कौन यहाँ पर, ये तो कोई कर्नल लगता है मेरे को। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, क्या चाहिए तुझे, क्यों आया है यहाँ पर? अरे कर्नल साहब मेरे को ये आपका लेग पीस चाहिए। तुम्हें मेरा लेग पीस चाहिए तो कर्नल को जवाब दो। आपको भी जवाब देना पड़ेगा क्या? हाँ मुझे भी जवाब दो। तो मुझे तुम ये बताओ अगर हम 90 को 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी मेरे को आंसर बताओ। क्या इतना हार्ड? ओ गाइस यार ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरे को 50 में से 90 माइनस करने हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है? अब यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, तुम लोगों को पता है तो तुम लोग भी बता सकते हो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी बताओ यार मेरा तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्या करूं क्या आंसर हो सकता है इस चीज का, जल्दी बताओ ना यार कमेंट बॉक्स के अंदर अगर तुम लोगों को पता है। होए लिखो, कई दोस्तों ने मेरे को बताया, शाबाश शाबाश वेरी गुड। हां तो कर्नल साहब आंसर है -30। और मुश्किल वक्त कमांडो शख्स, शाबाश तुम काफी बहादुर और काफी ज्यादा दिमागदार आदमी हो, तो इसलिए मैं तुम्हें ये लेग पीस देता हूं। चलो मैं चला मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ओके तो चलो गाइस यार मेरे को मेरा नेक्स्ट लेग पीस भी मिल चुका है, इसको भी खाता हूं जल्दी से। वो गाइस यार ये देखो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं, और ये कितनी खतरनाक, क्या है ये भाई क्रोकोडाइल सा अजीब सा। चलो गाइस यार आगे चलते हम लोग। ओहो देखो भाई वो रहा सामने एक और लेग पीस, ये लेग पीस तो इस राइनो मैन का है। हे राइनो मैन मेरे को प्लीज ये लेग पीस दे दो ना। अगर तुम्हें ये लेग पीस चाहिए तो तुम्हें मेरे को एक चुटकुला सुनाना होगा। क्या चुटकुला? मैं असल में बच्चों को हंसाता हूँ तो तुम्हें मुझे हंसाना पड़ेगा, तो एक चुटकुला सुनाओ उसके बाद मैं तुम्हें ये लेग पीस दूंगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे को राइनो मैन को एक चुटकुला सुनाना पड़ेगा। ओके तो चुटकुला कुछ इस तरीके से है। हाँ तो एक बार की बात है एक लड़की लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर लड़की कहती है लड़के से, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ आऊंगी। फिर क्या हुआ? जब लड़का बोलता है अबे मेरे को पहले से पता था तू तो एक भूतनी है, जो कहीं भी जाऊंगा मेरे साथ साथ आएगी, तू तो एक आत्मा है। मस्त चुटकुला था, उस लड़के ने तो लड़की की बेइज्जती कर दी उसे भूतनी बोल के। हाँ वही तो। ले ये रहा तुम्हारा लेग पीस, तुम खा सकते हो, मैं चला।
कितना गंदा जोक मारा तुम्हारे भाई ने, पर पता नहीं वो हंस कैसे गया, मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई, सच बता रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, वो तो हंस गया ना, आप लोग मेरे को इससे अच्छा चुटकुला बताना जिससे अगली बार मैं सुना सकूं किसी को, ठीक है? चलो इसको खाते हम लोग। ओके तो गाइस यार हमने एक और खा लिया है, और यार ये देखो हमारा मीटर और बढ़ गया, यहाँ पर बस एक आखिरी बचा है लेग पीस, और ये किसके पास है? ये तो एक सोनिक है। सोनिक मेरे को ये लेग पीस दे दो ना। तुम्हें ये लेग पीस चाहिए? हाँ मुझे तुम्हारा ये लेग पीस चाहिए। तो एक काम करो, मेरी एक पहेली का जवाब दो। कैसी पहेली? हाँ तो पहेली कुछ इस प्रकार है। एक बार गांधी जी नदी के पास से जा रहे थे, फिर गांधी जी को साइड नदी के उस पार एक दुकान दिखी, नाई की, जहाँ पर बाल कटाते हैं। फिर तो ये बताओ कि गांधी जी आखिर नदी को पार करके वहाँ कैसे पहुँचेंगे, और वहाँ पर कोई बोट भी नहीं है, और ना ही गांधी जी को तैरना आता। ओ गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है यार, इस पहेली का जवाब मैं कैसे दूं? गांधी जी को बाल कटाने जाना है, कहाँ पर? नदी के उस पार नाई की दुकान पर बाल कटाने जाना है, पर वो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर बोट नहीं है। ओए ये तो बहुत इजी है, गांधी जी के तो बाल ही नहीं है, तो नाई की दुकान के ऊपर कटवाएंगे क्या? एकदम सही जवाब। तो ये चिकन लेग पीस तुम्हारा होता है, मैं चला यहाँ से, चलो लेट्स गो। चलो गाइस यार मुझे मेरा लास्ट वाला लेग पीस भी मिल चुका है, इसको खाता हूँ जल्दी से। वो गाइस ये देखो मैं कितने बड़े क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ, कि मतलब मेरे कैमरे एंगल के अंदर भी नहीं आ रहा भाई, ये तो सही बहुत ज्यादा बड़ा है, देख रहे हो आप लोग? वाह। चलो गाइस यार मेरे को बस एक बार अपने आप को और अपग्रेड करना है, जिससे मैं अल्टीमेट खतरनाक वाले क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड हो जाऊंगा। लेट्स गो गाइस। तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। अबे गाइस यार ये कौन कौन आ गया यहाँ पर? ये मुर्गा, ये तो वही मुर्गा है जिसको मैंने बड़ा किया था। पता नहीं मुर्गा यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये कौन हल्का है क्या? पता नहीं, अजीब सा हल्का यार बिल्कुल, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? बार्क तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यहाँ से सबसे पहले अपनी पसंदीदा गाड़ी लेनी है, उसके बाद यहाँ से तुम्हें सीधा जाना है, उसके बाद इन वाले चीजों में से पार करके तुम्हें नीचे आना है फुल स्पीड में, फिर आगे जाना है, फिर यहाँ से जंप लगाना है, फिर यहाँ पर एल के एल लगा के यहाँ से बच कुचा के जाना है ये बड़े 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 विंडमिल से, उसके बाद तुम यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ पर तुम्हें इतनी सारी ट्यूब मिलेगी, इनको फाड़ के तुम्हें फिर आगे जाना है, और उसके बाद आखिर में तुम पहुंचोगे यहाँ पर, जहाँ पर तुम्हें मिलेंगे तीन बड़े बड़े लेग पीस। हाँ तो जाओ दिखाओ कितना दम है तुम्हारे अंदर। अबे यार ये मुर्गा यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे इस मुर्गे को गाड़ी चलाने भी आती है, लगता है ये अपने मालिक के लिए इतने सारे लेग पीस जीतने आया है, जो उसका वो नहीं था मालिक यार, जिसने मेरे को लेग पीस दिए थे शायद उसको और लेग पीस की जरूरत होगी। और भाई साहब मुर्गे ने तो काफी अच्छी जंप मारी है भाई, क्या मुर्गा जीत जाएगा मतलब? ओ भाई मुर्गा बच गया, भाई साहब मुर्गे ने मस्त गाड़ी सेलेक्ट किया सेमी। और गाइस यार यहाँ पर फिर चला मुर्गा, और ये बड़ी मुर्गे की स्पीड 140, 160, 180 और ये 200 की स्पीड पर लगाई मुर्गे ने जंप, और भाई मुर्गा है कमाल का भाई साहब, मुर्गा सेमी बहुत ज्यादा कमाल का है। अबे क्या कर रहा है मुर्गा? अरे अरे मुर्गे 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 पागल हो गए, अरे मुर्गे पागल हो गए। अबे ये क्या, ये लाल कलर के पीछे क्यों पड़ गया भाई, ये लाल कलर की चीजों को नीचे क्यों फेंक रहा है, लगता है इसको लाल कलर से गुस्सा आता है। अबे ये क्या लाल चक्कर में तो इसकी तो बैंड बच गई भाई। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम हार तो गया ये। और गाइस यार यहाँ पर ये हल्क जा रहा है, है ये हल्क नहीं लग रहा है, ये तो कोई आदिवासी है मेरे हिसाब से। गाली दे रहा क्या मेरे को तू? ओए गाली दे रहा क्या मेरे को? अबे भाई ये आदिवासी यहाँ पर क्या कर रहा है भाई साहब? एक तो बर्क खुद आदिवासी से लगता है, और ऊपर से वो मुर्गा आया था, अब ये आदिवासी यहाँ पर क्या कर रहा है? ओ भाई साहब यहाँ पर मेरे को अब भी समझ नहीं आ रहा, आखिर इस आदिवासी को भी कैसे गाड़ी चलानी आती है, और उस मुर्गो को कैसे आती है भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है भाई, कोई बताओ मेरे को आखिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ओ भाई ये देख रहे हो आदिवासी क्या कमाल की गाड़ी चला रहा है, कितनी स्पीड से आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये आदिवासी जीत गया तो मेरा पत्ता कट जाएगा और लॉस सैंटोस प्यासा मर जाएगा।
ओके तो गाइस यार यहाँ पर आदिवासी मरते मरते पता नहीं कितनी गाली देखे गया है, कुछ तो बहुत गंदा बोल के गया है। तुम लोगों को उसकी लैंग्वेज समझ आई है तो मेरे को जरूर बताना यार। सही में यार बहुत ज्यादा गंदा बोला उसने मेरे को। मैं यहाँ पर ये वाली गाड़ी लेके जाने वाला हूँ क्योंकि यार ये बाकी गाड़ियों से मेरे को काफी ज्यादा अलग लग रही है। इसके अंदर पावर भी ज्यादा होगी बाकी गाड़ियों से, देख रहे हो भाई क्या कमाल की गाड़ी है। ओके तो गाइस यार ये हम लोग चले ये सपाटा वाली गाड़ी लेके, इसका सपाटा वाला गाड़ी नाम रखेंगे हम लोग। और ये हम लोग चले फुल स्पीड में 180 स्पीड में, ये लगाई हमने जंप। अबे कितनी तेज है भाई ये गाड़ी देख रहे हो, बिना बूस्ट लगाए मैं कितने आगे आ गया। बस यहाँ पर आराम से कंट्रोल करके, अरे नहीं 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 बचा। और अरे बेबी बेबी कंट्रोल में आ जाए 80 और यहाँ पर 120 140 160 और ये 180 स्पीड पे हमने लगाई फिर से जंप और ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट, ये एकदम सही तरीके से हमने यहाँ पर भी जंप लगाई है। बस अब मेरे को बस जीतना है यहाँ पर, उसके बाद मुन बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार के फेंक दूंगा और उसके बाद बल्ले बल्ले वो ये क्या भाई पहुंच जाऊंगा ना। भाई सब बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग और यहाँ पर इन सभी ट्यूब्स को नीचे गिरा के ये हम लोग चले। भाई पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। अरे भैया जंप मार दो इसमें से, अरे मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, अरे पहुंच जाना चाहिए। बस बच गया भाई, थोड़ा सा रह गया वरना सीधा नीचे जाता। तो गाइस यार हम लोग यहाँ पर जीत चुके फाइनली अपेटे की जान। चलो गाइस यार यहाँ पर बस अब ये लेग पीस खाने और उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। चलो गाइस इनको खाते हैं। ओ तो गाइस यार ये देखो मैं कितने खतरनाक वाले भाई क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड हो चुका हूं और मैं कितना ज्यादा बड़ा हूं अब। चलो गाइस यार अब बारी आ चुकी है अपने पानी को आजाद कराने की इन बड़े बड़े मॉन्स्टर से। अबे कहाँ गए वो लोग, डर के भग गए क्या? अबे ये क्या है यहाँ पर ये छोटा सा, ओए भाई ये रहो और ये मुझसे कितना ज्यादा बड़ा है यार सेमी, देख रहे हो। चलो गाइस अब मेरी बारी इनको मारने की और ये बैम बूम बेबी। अब भाई साहब ये तो सेमी बहुत ज्यादा बड़े हैं। वो कुत्ता कहाँ गया, कुत्ता भी यही होना चाहिए ना। अब ये रहा, सबसे पहले एक काम करता हूँ इस कुत्ते को मारता हूँ मैं, इधर आ कुत्ते के बच्चे इधर आ। ओए ये क्या, ये देखो मैंने तो इसको उठा लिया इनके घर को और ये इनके घर को फेंक दिया। अब इसकी बारी इधर आ। ओके तो गाइस यार अब मैंने कुत्ते को उठा लिया है, अब कुत्ते को दूर फेंकता हूँ चल यहाँ से। तो गाइस यार कुत्ते को हमने उठा के फेंक दिया और भाई लगता है मैंने कुत्ते को मार डाला, देख रहे भाई कुत्ता कैसे उड़ के जा रहा है मस्त तरीके से। अब बारी आती है इसकी, कहाँ ये बड़ा वाला जॉइंट, इससे तो भाई ये तो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे को लगता है इससे मेरे को फाइट करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब इसने तो मेरा कद्दू बना दिया भाई, ये कितना बड़ा है, मेरे को सबसे पहले इससे दूर जाना पड़ेगा, इससे पहले कि ये मेरी बैंड बजा दे। अरे पूरा गेम अटका दिया भाई, इतने बड़े बड़े जॉइंट्स तेरी, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर से भी ले। ओ भाई समझ नहीं आ रहा कौन किसको मार रहा है, आजा मेरी बारी मारने की। ये ले ओ भाई ये देख रहा हूँ कितने पावरफुल हूँ, कैसे इसको उठा उठा फेंक रहा हूँ, कितनी दूर फेंक के मार रहा है। चलो गाइस यार कहाँ गया ये रहा, ये ले तो गाइस यार मैंने इसके ऊपर खतरनाक वाली क्रोकोडाइल लेजर यूज किया, देख रहे हो आप लोग, पर इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा, कितना पावरफुल है सेमी। ये ले और ये ले, वो भाई इनकी दुनिया देखो अभी गोल गोल घूम रही है। अबे लगता है मैंने इसको मार डाला और देखो ये गायब हो गया, धरती में घुस गया। चलो गाइस यार फाइनली मैंने इन दोनों जायंट्स को मार डाला, अब मेरे को जाके इनका वो पत्थर हटाना है वो बड़ा वाला जो कि यहाँ पर लगा रखा था, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यहीं पर होना चाहिए वो पत्थर। जैसे मैंने इन लोगों को हराया इनका पत्थर भी यहाँ से हट चुका है और यार यहाँ पर जो पानी है वो जाने लगा है, इसका मतलब अपनी दुनिया अब सेफ है। मजा आ गया रात तो सही, मैं कितने खतरनाक वाले क्रोकोडाइल के अंदर अपग्रेड हुआ, क्या क्या हम लोगों ने एडवेंचर किया। अगर आप लोग और भी ऐसे एडवेंचर देखना चाहते हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम लोग मिलेंगे इसके नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जब तक लिए राम राम जी, और हमने पूरे लॉस सेंटोस को बचा लिया। We know how to party, pull out the Bacardi, feel it in my body, put on a show.